नजर में आज कमोडिटी बाजार की 10 बड़ी खबरें। मंदसौर मंडी में मेथी की अच्छी खासी आवक देखने को मिली, तो वहीं भाव की बात करें तो पुरानी मेथी 5400 से 5600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकती दिखाई दी, तो वहीं नई मेथी का भाव 5300 से 5350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इंदौर मंडी में आज डॉलर चने की अच्छी खासी आवकें देखने को मिली, जिसके चलते भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली। इंदौर मंडी में डॉलर चने का भाव ऊपर में 13,000 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया, तो वहीं नीचे में 9,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखने को मिले। मंदसौर मंडी में आवक बढ़ने से देसी लहसुन का भाव 5,000 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला, तो वहीं ऊटी लहसुन का भाव भी नीचे में 4,500 से 5,000 रुपये तो ऊपर में 14,500 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं आज मंडी में 25,000 से 30,000 बोरियों की आवक देखने को मिली। नीमच मंडी में किसानों को उम्मीद की भाव दूसरी मंडियों से अच्छा मिलता है, जिसके चलते मंडी में पिछले 2 दिनों से लगातार आवक बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब आगे दामों में तेजी बन सकती है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कैस्टर्ड क्रॉप सर्वे 2023-24 के अनुसार भारत में 2022-23 में 18.81 के मुकाबले 2023-24 के दौरान 20,54,000 टन कैस्टर्ड सीड का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि फसल का क्षेत्रफल 2023-24 सीजन के दौरान बढ़कर 10,05,000 हेक्टेयर पर पहुंचा, जो कि पिछले सीजन में 9,18,000 हेक्टेयर था। एरिया में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की गई। महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी की मांग की है। मिलर्स ने चिंता जताई है कि अधिकांश मिलों को स्थायी रूप से बंद होने से रोकने के लिए गन्ना के FRP के मुकाबले चीनी की MSP को भी बढ़ाया जाए। सरकार से मांग की गई है कि चीनी की MSP को बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल कर देना चाहिए। सरसों की नई फसल की आनी शुरू हो चुकी है और इसलिए उत्पादन बढ़ने के बाद बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे चली गई हैं, जिससे किसान काफी निराश हैं। माना जा रहा है कि इस साल 14 मिलियन टन तक सरसों का उत्पादन पहुंच सकता है। हालांकि व्यापारी देश में सरसों तेल की कम खपत और तिलहन की कीमतों में सुस्ती के लिए सस्ते खाद्य तेलों के आयात को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में मंडी दरें कम हो गई हैं। बढ़े हुए रकबे और बाजार में आवक के बावजूद किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए मिलने वाली सब्सिडी की योजना को सरकार ने मार्च तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने दूध पर सब्सिडी देने की योजना को 11 फरवरी से 10 मार्च तक के लिए फिलहाल बढ़ा दिया है। इस योजना की मियाद 10 फरवरी को खत्म हो गई थी। राज्य के दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग ने 1 महीने और सब्सिडी देने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य ने दूध के दाम गिरने पर उत्पादक किसानों के लिए प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके तहत योजना 11 जनवरी से 10 फरवरी तक लागू की गई थी, जिसे अब 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गरज के साथ कई इलाकों में बारिश होने की संभावना। इसी तरह 1 से 2 मार्च को उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो 1 से 2 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। IMG का कहना है कि 1 मार्च को उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कहना है कि अच्छे मौसम और जलवायु अनुकूल किस्मों के अधिक रकबे के कारण इस साल गेहूं का उत्पादन लक्ष्य 1140 लाख टन से अधिक हो सकता है। भारत में गेहूं की फसल अब तक उत्कृष्ट स्थिति में है और कोई बीमारी नहीं है। साथ ही रकबा पिछले साल से थोड़ा बड़ा है और फसल की प्रगति भी बहुत अच्छी है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उत्पादन लक्ष्य को छू सकता है और शायद उससे भी पार पहुँच सकता है। केरल के इडुक्की में इलायची किसानों को बढ़ते तापमान के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो चुका है, जिससे किसानों को अपने पौधों की सुरक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। छाया प्रदान करने के लिए हरे जाल लगाए गए हैं, लेकिन लगभग 30% पेड़ जलने लगे हैं। प्रत्येक पौधे को प्रति सप्ताह 20 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और किसी भी कमी से पौधा मुरझा सकता है। किसान दैनिक पानी, सिंचाई और समय पर खाद देने पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें बीमारियों और कीटों का भी सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर बैन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया, लेकिन मॉरिशस, बांग्लादेश समेत कुछ देशों को प्याज निर्यात करने की अनुमति दे दी। ऐसे में प्याज निर्यातकों ने बेहतर एक्सपोर्ट सिस्टम की मांग केंद्र सरकार से की है। दरअसल निर्यातकों को चिंता सता रही है कि केंद्र सरकार कुछ चुनिंदा निर्यातकों को प्याज निर्यात की अनुमति दे सकती है। ऐसे में ट्रेड बॉडी HPA ने कि प्याज निर्यात के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सिस्टम देने का अनुरोध किया है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार प्याज एक्सपोर्ट को लेकर नीति नियमों को और सख्त कर सकती है।